हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतू बालोटिया। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ किस दिशा में घड़ी लगाने से होता है भारी नुकसान। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, हमारे सभी आपके और मेरे घरों में छोटी या बड़ी घड़ी जरूर होती होगी। दीवार पर ये घड़ी उस जगह पर लगाते हैं जहाँ आसानी से हम देख सकें और समय का ध्यान रख सकें। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, वास्तव में घड़ी लगाने की शुभ और अशुभ दिशा होती है और ये हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी को घड़ी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। भला क्यों? घड़ी की सुइयां समय से बाधित करती है। यदि यही समय हम किसी को तोहफे में दे रहे हैं तो हम अच्छे समय के साथ बुरा समय भी दे रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ये बातें केवल एक मान्यता है या फिर इसका वाकई असर होता है। भारतीय शास्त्रों में जाने माने वास्तु शास्त्र चीनी वास्तु शास्त्र कहलाने वाले विज्ञान के अनुसार हमारे घर में लगी घड़ियां बहुत कुछ कहती है। जिन घड़ियों को हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उनका हमारे जीवन में एक खास संबंध होता है। घर या ऑफिस में उपयोग होने वाली घड़ी को इस तरह उपयोग में लाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस बारे में। वास्तु शास्त्र की माने तो घर की दक्षिण दिशा पर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि घर के दक्षिण दिशा में यम की दिशा होती है। ये दिशा घर में मुख्य की दिशा होती है। अगर इस दिशा में कुछ लगाना चाहते हैं तो घर के मुखिया की तस्वीर लगा सकते हैं। विज्ञान के अनुसार घड़ी को कभी भी तकिए के पास रख कर नहीं सोना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि घड़ी लगाने की वास्तु दिशा कौन सी है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी को घर के पश्चिमी तथा उत्तरी दिशा में घड़ी लगानी चाहिए। यह दिशा हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गोल चौकोर अंडाकार आठ या छह भुजाओं वाली घड़ी सकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।